हेलो, कृषाण बायो फार्मर हेल्पिंग चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे बायोकलर जो ऑर्गेनिक कीटनाशक है इसका बारे में, इसमें क्या क्या कंपोजिशन रहता है, कौन कौन सा कीटों को कंट्रोल कर सकता है और फसलों में इसका डोज कितना स्प्रे करना है, पहला स्प्रे करने के बाद दूसरा स्प्रे कब करना है, इसके साथ दूसरा कोई कीटनाशक एक साथ मिक्स कर स्प्रे कर सकते हैं क्या नहीं कर सकता है, बायोकिलर जो ऑर्गेनिक कीटनाशक इसके बारे में A to Z इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। कृषाण बायो बायोकिलर जो ऑर्गेनिक कीटनाशक जो एक नीम ऑयल बेस्ड कीटनाशक है, जो EC कंटेनिंग कीटनाशक है, जो एक ऑर्गेनिक कीटनाशक रहता है, उसमें क्या रहता है, एजाडी रास्टिन 0.03% रहता है जो ऑर्गेनिक दवा रहता है, उसका PPM में इसका 300 PPM में रहता है जो बायोकलर कीटनाशक, जो एक परफेक्ट कंपनी का कीटनाशक बेहतरीन काम भी करता है फसलों में। आई बात करेंगे ऑर्गेनिक कीटनाशक जो बायोकिलर कौन कौन सा फसल में आप यूज़ कर सकते हैं इसके बारे में, जैसे मिर्च का फसलों में, टमाटर का फसलों में, बीन का फसलों में, भिंडी का फसलों में, पत्ता गोभी फूल गोभी का फसलों में, लौकी कद्दू का फसलों में, करेला कीरा का फसलों में, प्याज का फसलों में, लहसुन का फसलों में, लगभग सब्जी वर्गीय फसलों में आप यूज़ कर सकते हैं, फलों में भी यूज़ कर सकते हैं। जो ऑर्गेनिक कीटनाशक बेहतरीन काम भी करते हैं, उसका रिजल्ट भी बेहतरीन मिलते हैं फसल में स्प्रे करने के बाद। बायोकिलर जो ऑर्गेनिक कीटनाशक है फसलों का कौन कौन सा कीटों का नियंत्रण कर सकते हैं अब इसके बारे में बात करेंगे, जैसे व्हाइट फ्लाई, बॉलवर्म, थ्रिप्स, इसके अलावा जैसे ब्राउन प्लांट होपर, लीफ फोल्डर, जैसे फसलों में इंसेक्ट आता है, एपिड जैसी जो फसल खराब कर देता है और फसल अच्छा नहीं मिलता है इस इंसेक्ट की वजह से, आप नियंत्रण कर सकते हैं बायोकिलर कीटनाशक स्प्रे करके बेहतरीन काम भी करते हैं। और थ्रिप्स इंसेक्ट और व्हाइट फ्लाई इंसेक्ट जो इंसेक्ट होता है, जो एक वायरस इंसेक्ट है जो पत्ता उड़ने वाली बीमारी ज़्यादातर आ जाता है फसलों में, जो इंसेक्ट की वजह से थ्रिप्स और व्हाइट फ्लाई जो आप बायोकिलर जो कीटनाशक ऑर्गेनिक आप स्प्रे कर सकते हैं बेहतरीन काम भी करते हैं फसलों में। आई बात करेंगे बायोकिलर जो कीटनाशक है इसका डोज फसलों में कितना स्प्रे करना है, कोई भी सब्जियों में फसलों में जो स्प्रे करने के लिए आपका डोज सही होना चाहिए, जो बायोकिलर ऑर्गेनिक कीटनाशक उसका डोज है 20 ml, आप 20 L पानियों में घुलकर स्प्रे करना है, बेहतरीन काम भी करता है इंसेक्ट कंट्रोल करने के लिए। इसके अलावा जैसे आप 100 ml 100 L पानियों में घुलकर स्प्रे कर सकते हैं और पहला स्प्रे करने के बाद दूसरा स्प्रे लगभग 12 डेज के बाद आप फसल में दूसरा स्प्रे कर सकते हैं जो बायोकिलर ऑर्गेनिक कीटनाशक है, और उसका रिजल्ट लगभग 10 डेज के अंदर उसका रिजल्ट मिल जाता है। उसके साथ दूसरा कोई कीटनाशक एक साथ मिक्स करके स्प्रे कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते अब इसके बारे में बात करेंगे, जैसे इसके साथ दूसरा कोई कीटनाशक स्प्रे करने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो एक ऑर्गेनिक कीटनाशक, ऑर्गेनिक कोई भी कीटनाशक एक साथ मिक्स करके स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन जो केमिकल कीटनाशक है एक साथ मिक्स करके स्प्रे करने से रिजल्ट अच्छा नहीं मिलता है, इसलिए आप क्या करना है इसके साथ जो ऑर्गेनिक कीटनाशक होता है उसको एक साथ मिक्स करके स्प्रे कर सकता है। कृषाण बायो व्हाइट फ्लाई और थ्रिप्स इंसेक्ट की वजह से क्या होता है फसलों में, जैसे इसके लिए जो वायरस इंसेक्ट होता है व्हाइट फ्लाई और थ्रिप्स, उसके वजह से फसलों में पत्ता मुड़ने वाले बीमारी ज़्यादातर आ जाते हैं, इसलिए आप जो बायोकिलर कीटनाशक है स्प्रे कर सकते हैं टमाटर का फसलों में, मिर्च का फसलों में, कीरा का फसलों में, करेला का फसल, कोई भी सब्जियों में जैसे पत्ता मुड़ने वाली बीमारी व्हाइट फ्लाई और थ्रिप्स इंसेक्ट की वजह से आता है उसको कंट्रोल कर सकता है बायोकिलर कीटनाशक स्प्रे करके। आई बात करेंगे बायोकिलर जो कीटनाशक है कीटनाशक का प्राइस का बारे में, जैसे उसका प्राइस होता है 20 ml का प्राइस लगभग 80 rupees में मिल जाता है, 50 ml का प्राइस लगभग 130 rupees में मार्केट में अवेलेबल मिल जाता है। इस वीडियो में बात किया था बायोकिलर जो कीटनाशक इसका कंटेंट क्या रहता है इसमें, उसके अलावा उसमें कौन कौन सा कीटों को नियंत्रण कर सकते हैं, इसका डोज कितना फसलों में स्प्रे करना है, इसका रिजल्ट कब मिलता है, पहला स्प्रे करने के बाद दूसरा स्प्रे कब करना है, इसके बारे में A to Z बात किया था। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। इसके अलावा आपको दूसरा कोई भी टॉपिक में वीडियो चाहते हैं तो वीडियो में कमेंट भी कर सकता है।